हमें ये बताते हुए फख्र हो रहा है कि जिस मकसद और जिस मिशन के लिए मैंने पंजाब पुलिस से एसीपी करण सिंह को मांगा था वो पूरा हुआ। गावा फिरोजी को पकड़कर करण सिंह ने जिस बहादुरी का परिचय दिया है उससे खुश होकर सरकार ने उसे प्रमोट करके इस शहर का डीसीपी बना दिया है। पुलिस महकमे के लिए ये गर्व की बात है। डीसीपी करण सिंह स्टेज पर आकर नामांकन पत्र हासिल करें। हमारे देश को ऐसे ही बहादुर अफसरों की जरूरत है। वेल डन करण सिंह, वेल डन। दामाद की तरफ के मुबारक हो अर्जुन सिंह जी। थैंक यू सर। मैं चाहूंगा कि डीसीपी करण सिंह दो शब्द हमारे अफसरों को कहें, प्लीज। एक ऑफिसर का काम बोलना चाहिए, जुबान नहीं। जय हिंद, जय हिंद। इसका अफसोस करने के लिए तो जिंदा नहीं रहेगा। अफसोस तो मुझे रहेगा गावा, मगर इस बात का कि मैं तुझे तेरे भाई के साथ खत्म नहीं कर सका। मेरा भाई, मेरा बच्चा था, तूने उस मासूम को मार डाला। मासूम को? What the hell मासूम? क्योंकि वो तेरा छोटा भाई था इसलिए वो मासूम था। अरे मासूम तो वो बच्चे हैं जिनको पता भी नहीं कि ड्रग्स और हथियार क्या होते हैं। जानता तूने कितने मासूमों की जान ली है और ना जाने कितने मासूमों की जान जाएगी, क्योंकि तेरे फैलाए हुए ड्रग्स का असर तेरी मौत के बाद भी चलता रहेगा। मासूम, मेरी मौत को तेरी मौत देखने का इंतजार है, पर मैं अपनी मौत को नाउम्मीद नहीं कर सकता। तुझ में और तेरी मौत के बीच सिर्फ इन सलाखों का फासला है। शुक्र कर इस कानून का जिसने तुझे अभी तक जिंदा रखा है। वाकई तुझ में और तेरी मौत में भी इन्हीं सलाखों का फासला है, और बहुत जल्द मैं ये फासला खत्म कर दूंगा। मैं अभी तेरे सर को इस धर से उखाड़ दूंगा। ये तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा सर। तू क्या मारेगा मुझे? उसी तरह मैं भी तुझे मारूंगा जिस तरह तूने मेरे भाई को मारा। मेरे भाई को मारा साले। ए, अरे तेरे भाई ने भी यही कहा था। अरे तेरे साले को मिले। अरे तेरे को भी नहीं मारूंगा। मेरे भाई को मारा। ऑफिसर, गावा को पुलिस सिक्योरिटी में रखना सेफ नहीं है। उसे फॉरन सेंट्रल जेल की टाइट सिक्योरिटी में शिफ्ट करो। सर। आपका इस मुल्क से निकलने का इंतजाम हो गया है। ये रहा आपका जाली पासपोर्ट और एयर टिकट। तेरे भी पासपोर्ट की तैयारी हो गई है। आ,
कावा फिरोजी दुनिया के लिए मर गया है, लेकिन सिकंदर का भाई जिंदा है। चलो आ जाओ। एक मिनट सर। गावा फिरोजी, सर चेहरा और जिस्म बुरी तरह से जल चुका है। इट वॉज अ मेजर एक्सीडेंट। ठीक है, इसको पोस्टमार्टम करा और रिपोर्ट मुझे जल्दी से भेजो। ओके सर, ले जाओ। चलो अच्छा ही हुआ, गावा के साथ इस शहर से खून खराबा और ड्रग्स की गंदगी भी खत्म हो गई। सर हमने गावा फिरोजी की सारी प्रॉपर्टी सीज कर ली है, पर उसकी ड्रग प्रोसेसिंग वाली फैक्ट्री का अभी तक पता नहीं चला। डोंट वरी करण, जब रावण ही मर गया तो उसकी लंका कब तक बचेगी? पुलिस की फाइलों में गावा का नाम एक भूली हुई कहानी बनकर रह जाएगा। आप सोच क्या रहे हैं गावा साहब? उतार दीजिए उसके सीने में गोलियां। उसके सीने में गोलियां उतारना मेरा इंतकाम नहीं। उसे इतनी आसान मौत देना तो उस पर रहम करने के बराबर है। उस हराम खोर को मैं ऐसी मौत दूंगा कि मेरे सिकंदर की रूह को चैन मिले, सुकून मिले। क्यों रे, बहुत जल्दी छोड़ गया तू मुझे। देख, देख कैसे तड़प रहा तेरा भाई अकेला तेरे बिना। ऐसा तड़पाऊंगा कि मौत की भीख मांगेगा वो, तब जाके खैरात में मौतूंगा मैं उसे। उसके बाद ही अपनी शक्ल देखूंगा मैं तुझे। भजन सिंह जी, आज ना कोई सरकारी गाड़ी ना सिक्योरिटी। अन्ना, तुम जैसे लोगों के पास आना हो तो सबसे पहले सरकारी सुविधाएं हटानी पड़ती हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नहाने से पहले कपड़े उतारने पड़ते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आप जैसे नेता लोग स्नान पानी से नहीं बल्कि खून से करते हैं। करना पड़ता है अन्ना, सियासत की देवी बलि लिए बिना खुश नहीं होती, और फिर ऊपर चढ़ने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। चालाक नेता वही है जो अपने दामन में दाग लगने ना दे। दाग लगेगा भी कैसे भजन सिंह जी, खून चाकू भेजने वाले पे नहीं बल्कि चाकू चलाने वाले के दामन पे लगता है। और इस काम के तुम बेताज बादशाह हो। एक कबूतर उड़ाना है अन्ना, जिसके 50 लाख रुपए एडवांस इस बैग में है, और 50 लाख रुपए काम होने के बाद। भजन सिंह जी, एक कबूतर नहीं बल्कि ये कहो कि किसी बास को उड़ाना है। बहुत समझदार हो गए अन्ना, लेकिन इस बार किसी पार्टी लीडर को नहीं बल्कि सीएम को उड़ाना है, ताकि उसकी गद्दी पर बैठने का मेरा ख्वाब पूरा हो। समझ लो कि आपका ख्वाब पूरा हो गया, क्योंकि अन्ना जिसके मौत का सुपारी लेता है परिश्ते भी उसकी लाइफ की गारंटी छोड़ देते हैं। वरदान। हाँ साहब। शिवा से कहो कि अन्ना ने उसे याद किया। सीएम साहब, बहुत बहुत बधाई हो सीएम साहब।
सत्ता में बैठे हुए आपके 4 साल पूरे हुए। जिस कुशलता और ईमानदारी से आपने सत्ता का भार संभाला है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है साहब। धन्यवाद भजन सिंह जी। जब आप जैसा शुभचिंतक मेरे साथ हो तो मुझे किस बात की चिंता है। भजनलाल जी गर्म है आपके लिए स्पेशल चिल्ड शैंपेन। अच्छा यस सर। धन्यवाद। नमस्ते। लो भाई। सीएम साहब आपके काम और शोहरत को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये 5 साल तो सही लेकिन अगले 5 साल तक आपको कोई कुर्सी से नहीं उतार सकता। अरे सर आपने तो इस शहर का नक्शा ही बदल दिया। सीएम साहब मुझे लगता है कि इस शहर से गुंडागर्दी का नामो निशान गुंडे शहर पर भाग रहे हैं। भजनलाल जी ये तो आप लोगों की कोशिशों का नतीजा है। मुझे तो बस भगवान आपकी तमन्ना पूरी करे। सब यस। अरे गोली चलाई किसी ने, ऊपर से किसी ने गोली चलाई। अरे जाओ देखो ऊपर। प्लीज चारों तरफ से घेराबंदी कर लो। यहाँ से कोई भी चारों तरफ से घेराबंदी कर लो। मैं जानता हूं आप लोगों में यह गम गुस्सा क्यों है। यह वाकई अफसोसनाक बात है कि इतनी सख्त सिक्योरिटी होने के बावजूद हमारे प्रिय सीएम साहब पर कातिलाना हमला हुआ और हमारी पुलिस कातिल को ढूंढने में नाकाम है। यह तो आप लोगों की दुआएं और भगवान की कृपा है कि 3 गोलियां लगने के बावजूद हमारे सीएम साहब सही सलामत हैं। लेकिन मुझे कसम है खून के उन कतरों की जो सीएम साहब के जिस्म से बहे, मैं उस कातिल को ऐसी सजा दिलाऊंगा कि आने वाली नस्लें याद करके कांप उठेंगी। ये मेरा वादा रहा। जय हिंद। अन्ना भजन सिंह बोल रहा हूँ। हाँ बोलो भजन सिंह जी। मेरी ही दी सुपारी मेरे ही गले में अटक गई है। क्या मतलब? अन्ना सीएम बच गया है और पुलिस शिवा को पागल कुत्ते की तरह ढूंढ रही है। समझ गया ना क्या करना है? हाँ हाँ समझ गया भजन सिंह। क्या हुआ शिवा ये खून कैसा?
कुछ नहीं अन्ना, पुलिस की गोली छूकर निकल गई। लेकिन तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? अपना गेम पलटी हो गया शिवा। तीन गोली लगने के बावजूद सीएम अभी तक जिंदा है और पुलिस तेरे को ढूंढ रही है। तू कुछ दिनों के लिए बंबई चले जा और ये पैसे ले। अगर और जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। अन्ना, आज पुलिस से भागते वक्त एक हादसा हो गया। एक मासूम जवान लड़का मेरे हाथों मारा गया। उसके घर वालों का पता लगाकर ये पैसे उन तक पहुंचा देना। तो फिक्र मत कर, पैसे पहुंच जाएंगे। और सुन, बॉम्बे शिवा नहीं, अजय जाएगा। अंकल, ये आपके लिए। केक है, ले लो बेटा। इसके पैसे नहीं लेंगे हम तुमसे। ये हमारे सुपुत्र हैं रोहित, आज इनका जन्मदिन है। हमने तो कहा था कि बंबई जाकर आराम से मनाएंगे, लेकिन नहीं माने। अब चलती गाड़ी में तो इसी तरह की बर्थडे पार्टी होगी। दे दो बेटा, ये लीजिए। थैंक यू। कुछ भी कहो, चोरों की कमी नहीं है हिंदुस्तान। काशीपुर से हमारे साथ एक बुजुर्ग साहब चढ़े, बातों बातों में उनके साथ दोस्ती हो गई। पिछले स्टेशन पर पानी पीने के लिए उतरे और वापस चढ़े ही नहीं। मालूम हुआ कि श्रीमती जी का पर्स उठाकर ले गए हैं और इन्हें पता तक नहीं चला। अब किसी की शक्ल पर थोड़ी लिखा होता है कि वो चोर है या कातिल। क्यों बेटा? अंकल, चोली के पीछे वाला गाना बजाओ ना। रोहित बेटा, चलो उठो, मेरी बस पर आकर सो जाओ। नहीं, मैं सोऊंगा। जी सोने दीजिए सैया, वैसे भी मुझे नींद नहीं आई। अरे भाई, तकल्लुफ छोड़ो और ऊपर सो जाओ। ये इधर पकड़ना। रोहित बेटा, सर उठाओ। मैं जरा बाथरूम होकर आता हूँ। तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए। दरअसल वो तुम्हें नहीं, मुझे मारने आए थे। आपको? मेरा नाम शिवचरण है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस बॉम्बे ब्रांच।